मेरे दोस्तों मैच अभी बाकी है, अभी एक बॉल में 2 रन चाहिए भारत को और स्ट्राइक पे आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन। मेरे दोस्तों अब क्या होता है देखते हैं अब मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों अब 2 बॉल में 2 ही रन चाहिए और भारत मैच समथिंग जीत चुका है मेरे दोस्तों। लेकिन मैच तो आखिर मैच है दोस्तों, अब क्या होता है देखते हैं मेरे दोस्तों। काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मेरे विराट कोहली, हम सब के विराट कोहली और सारी दुनिया के नंबर वन बैट्समैन विराट कोहली मेरे दोस्तों। कौन से पटक रहा है बताओ कमेंट। तो अब क्या होता है मेरे दोस्तों, अब देखते हैं। अब मैच में हम पाकिस्तान जीती हुई मैच हार चुका है मेरे दोस्तों। बाबर आजम जो है पाकिस्तान टीम के कैप्टन, वो फील्ड सजा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। विराट कोहली जीएस कार्तिक को कुछ कहते हैं कि क्या होता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। 2 बॉल में 2 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए और सारे फील्डर को सर्कल के अंदर बुला लिया है, सारे फील्डर को सर्कल के अंदर बुला लिया है बाबर आजम ने। देखते हैं अब क्या होता है। 4-5 फील्डर अंदर है सर्कल के और 2 बॉल में 2 रन चाहिए। अब देखते हैं भारत की क्या स्थिति है मेरे दोस्तों। तो भारत अब क्या करता है, विराट कोहली अब क्या करता है वो हम देखेंगे जल्दी से। और ये दिनेश कार्तिक अच्छी और ये आउट कर दिया 1 रन है। और आखिरी बॉल में अब 1 बॉल ड्रॉ हो चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है और विकेट गिर चुकी है लगभग दिनेश कार्तिक की मेरे दोस्तों। तो अब 1 बॉल में 2 रन चाहिए, काफ़ी अच्छा मुकाबला है भारत पाकिस्तान का, देखते हैं अब क्या होता है। तो मेरे दोस्तों अभी मैच चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच और बहुत ज़ोरदार मैच चल रही है। भारत को चाहिए 1 ओवर में 16 रन चाहिए मेरे दोस्तों। तो मैच बहुत ज़ोरदार है, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या मैच खेल रहे हैं और न जाने अब इसका नतीजा क्या होगा। और मेरी और सबकी दिल की धड़कन रुकी हुई है और ये खेल दिया है हार्दिक पांड्या आउट हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अब क्या करें मेरे दोस्तों, अभी हार्दिक पांड्या आउट हो चुके हैं। अभी 5 बॉल में 16 रन चाहिए और विकेट लिया है मोहम्मद नवाज ने मेरे दोस्तों। तो 5 बॉल में अब 16 रन चाहिए, विराट कोहली स्ट्राइक पर आ चुके हैं मेरे दोस्तों। अब इस मैच का नतीजा क्या होगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे इस मैच में। तो मेरे दोस्तों देखते हैं अब क्या होगा, अब भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा वो तो वक्त ही बताएगा मेरे दोस्तों। तो मैंने छोटी सी वीडियो आपके लिए पेश किया है मेरे दोस्तों, देखिएगा ज़रूर। और अभी ये मैच शुरू हो रही है, मैच मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्तों मेरे घर पर। बहुत अच्छी मैच है मेरे दोस्तों। और अभी आए हैं दिनेश कार्तिक, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग की थी मेरे दोस्तों। आप सभी जानते ही होंगे, जो मेरे दोस्त क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि दिनेश कार्तिक ने कैसी बैटिंग की थी मेरे दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ। वो नागिन दास बताया था ना, याद आया मेरे दोस्तों, नागिन दास जो बांग्लादेश वाले करते थे, उनको उनकी जुबान में समझा दिया था दिनेश कार्तिक ने। और अब आज भी कुछ ऐसी स्थिति है मेरे दोस्तों। और अभी दिनेश कार्तिक आए हैं और 5 बॉल में 16 रन चाहिए और मोहम्मद नवाज की बॉलिंग है मेरे दोस्तों। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं विराट कोहली, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लगभग 70 के ऊपर अभी। और ये दिनेश कार्तिक ने शॉट लगा दिया लेकिन 1 ही रन मिलेगा और स्ट्राइक पे आ गए हैं अब विराट कोहली मेरे दोस्तों। और अब 4 बॉल में 15 रन चाहिए मेरे दोस्तों। मैच बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों, अब क्या होगा ना जाने मेरे दोस्तों। मैं भी टेंशन में हूँ थोड़ा, दिल की धड़कन थोड़ी सी रुकी हुई है क्योंकि भारत पाकिस्तान की मैच होती है वो कुछ यूँ ही नहीं होती मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा मैच होता है वो। जितना हमारा भारत में क्रेज है उतना पाकिस्तान में भी है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में भी नहीं पूरे वर्ल्ड में है मेरे दोस्तों। तो भारत पाकिस्तान की जो मैच होती है वो कोई ऐसी वैसी मैच नहीं होती मेरे दोस्तों। और अभी क्या होता है देखते हैं विराट कोहली क्या करते हैं।
अभी तीसरी बॉल डालने जा रहे हैं। अभी क्या होता है मेरे दोस्तों, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे दिल की धड़कन रुकी हुई है। अब क्या करते हैं, कॉमेंट्री वाले भी जोरदार बोल रहे हैं मेरे दोस्तों, क्या होता है देखते हैं। और भैया कोई ने शॉट लगा दिया, लेकिन अभी शॉट सीधा ही गया है, लेकिन दो ही रन मिलेंगे मेरे दोस्तों। और काफ़ी अच्छी रनिंग मिली विकेट, काफ़ी अच्छा थ्रो लगा दिया, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा, दो रन भाग चुके हैं मेरे दोस्तों। अब तीन बॉलों में चाहिए 13 रन, यानी दो छक्के तो चाहिए ही चाहिए। अभी क्या होता है मेरे दोस्तों, दिल की धड़कन बहुत रुकी हुई है मेरे दोस्तों। अब क्या होता है देखते हैं मेरे दोस्तों। विराट कोहली अब क्या करते हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं भारत जीत जाए, लेकिन खेल तो खेल है, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे भारत जीते। लेकिन और ये लगा दिया है विराट कोहली ने सिक्स लगा दिया है विराट कोहली ने। या और दो बॉल में अभी 7 रन चाहिए, कुछ कशमकश हो रही है मेरे दोस्तों। नो बॉल के लिए हो रही है या किस लिए, अब दो बॉल में 7 रन चाहिए मेरे दोस्तों। काफ़ी मैच बाद पाकिस्तान का जो मैच होता है उसकी जो स्थिति है उस तरफ अब मैच आ चुका है मेरे दोस्तों, काफ़ी स्थिति जोरदार है। दो बॉल में 7 रन चाहिए और स्ट्राइक पे है विराट कोहली मेरे दोस्तों, और काफ़ी तनाव भरी स्थिति है। एम्पायर कुछ कह रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं भी आपके सामने कॉमेंट्री पेश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों लाइव में। मेरी कॉमेंट्री कैसी लगी वो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे दोस्तों, मुझे आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा मेरे दोस्तों। काफ़ी अच्छी मैच है दोस्तों, काफ़ी अच्छी मैच है, ज़ोरदार मैच है। और कुछ अब कशमकश हो रही है ग्राउंड पर, कुछ एम्पायर से बाबर आजम जो पाकिस्तान के टीम के कैप्टन है वो बातचीत कर रहे हैं। अब सॉल्व हो गया, लेकिन अब क्या होता है, नो बॉल देते हैं नहीं देते, लेकिन नो बॉल लगता तो नहीं है रिप्ले की। अभी क्या होता है मेरे दोस्तों, जोरदार उसका प्रयास जोरदार था पाकिस्तान खिलाड़ी का, लेकिन अभी 3 बॉल में 6 रन चाहिए। हाँ यस, 3 बॉल में 6 रन चाहिए तो मैच वो भारत की तरफ आ चुका है मेरे दोस्तों, और जोरदार मैच है। और ये मेरा छोटा दोस्त आ गया है जिसका नाम है टिंटुइया, बोलो ने, इनके घर भी मैच चल रही है। और ये रहा मेरा सन पार्थ, वो भी मैच देख रहा है। और ये हैप्पी दिवाली बोल रहा है, और ये अच्छी, और ये वाइट बॉल, अभी 5 ही रन चाहिए, 3 बॉल में 5 रन चाहिए और मैच भारत के पक्ष में आ चुका है मेरे दोस्तों, भारत ही जीतेगा। तो मेरे दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है मेरे दोस्तों। तो भारत के पक्ष में मैच आ चुका है मेरे दोस्तों, अब देखते हैं विराट कोहली क्या करता है, छक्का मारता है या चौका मारता है, वो हम देखते हैं मेरे दोस्तों। अब अभी क्या होता है मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों अब मैच ड्रॉ हो चुकी है, तो वाइट बॉल डाल दिया है बॉलर ने और 1 रन मिल चुका है भारत को, अब इसलिए मैच सारी ड्रॉ हो चुकी है। अब देखते हैं कि 1 बॉल में क्या होता है, भारत जीतता है या फिर से सुपर ओवर आता है मेरे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी मैच रही है भारत पाकिस्तान की, जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही है। और अब देखते हैं क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 गेंद में 1 रन चाहिए मेरे दोस्तों भारत को जीतने के लिए। अगर बात 1 रन नहीं मारता तो मैच सुपर ओवर में चली जाएगी मेरे दोस्तों। लगता है अब हमें सुपर ओवर देखने को मिलती है या नहीं मिलती है वो तो वक्त ही बताएगा मेरे दोस्तों। देखते हैं अब क्या होता है, जोरदार मैच है मेरे दोस्तों। और ये बॉल डाल रहा है बॉलर, और ये अच्छी शॉट लगा दी यहाँ पे अश्विन ने, और ये भारत जीत चुका है मेरे दोस्तों। इंडिया 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 मेरे दोस्तों, किंग आखिर किंग ही रहा है मेरे दोस्तों। विराट कोहली इज अ किंग मेरे दोस्तों, और विराट कोहली की वजह से आज भारत मैच जीत चुका है मेरे दोस्तों। और दिवाली की बहुत सारी उन्होंने भेंट दी है हम सभी भारतवासियों को। तो मेरे दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो मेरे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके मेरी वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबका शुक्रिया मेरे दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं।